हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। अगर आप बिगनर्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है जिसको मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, मैंने इसको 2 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। ये देखिए, मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब ये जो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट किया है इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। अब हमें सूट की लेंथ चाहिए, तो हमारे सूट की लेंथ है वो है 40, तो हम उसमें 3 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। तो 43 हमने सूट की लेंथ ली है, 43 पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की लेंथ हमारी 13 इंच है, तो 13 का हाफ हम यहाँ रखेंगे। 13 का हाफ 6.5 होता है, तो हमने यहाँ 6.5 की मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल नॉर्मली शोल्डर की लेंथ जितना ही रखते हैं, तो हमने यहाँ पर 6.5 मार्क कर लिया है आर्म होल भी। अब हम शोल्डर और आर्म होल की जो मार्किंग की है उसको जॉइंट कर लेंगे। ये हमने जॉइंट कर लिया। अब ऊपर शोल्डर से कमर लेंथ की लंबाई लेंगे 14.5 इंच पे। तो ये हमने 14.5 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगा दिया है। और 20.5 इंच पे हिप लेंथ का निशान लगाएंगे। और अब इन सभी निशानों को स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए इस तरह, ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन है और ये हिप लाइन है। तो अब हम यहाँ पर चेस्ट लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा हमें यहाँ लेना है। तो इसकी चेस्ट 36 है, तो 36 का चौथा हिस्सा 9 होता है, तो हमने 9 पे मार्किंग करी है। अब हमें यहाँ वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। तो कमर है इसकी 32, तो 32 का चौथा हिस्सा 8 होता है, तो हम यहाँ पर 8 पे मार्किंग कर देंगे। अब हमें हिप राउंड का चौथा हिस्सा लेना है। तो हमारी हिप है 40, तो 40 का चौथा हिस्सा 10 होता है, तो हम यहाँ 10 पे मार्किंग कर लेंगे। तो जितना हमने हिप का निशान लगाया उतना ही हम बॉटम रखेंगे। तो हिप हमने 10 रखा था, तो यहाँ पर बॉटम भी हम 10 रखेंगे। अब इन सभी निशानों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह, आप साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। तो अब चेस्ट, वेस्ट और हिप लाइन पे हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। यहाँ बॉटम पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। अब इन सभी निशानों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। देखिए सभी निशानों को आपस में जॉइंट कर लिया है। हम यहाँ आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो हमने 1.5 इंच मार्क कर लिया और स्ट्रेट लाइन खींच ली है। तो अब हम यहाँ पर आर्म होल का शेप दे रहे हैं। ये हमारा बैक आर्म होल है। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग हम बाद में करेंगे। तो अब हम शोल्डर से आर्म होल तक कट कर लेते हैं। और अब साइड से बॉटम तक कट कर लेंगे। अब हम यह बॉटम का निशान पे कट कर लेंगे। और अब जो ऊपर से फोल्ड था उसे भी हम कट कर लेंगे। तो एक हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है।
तो बैक पार्ट को हम अलग कर देंगे और अब फ्रंट पार्ट में आर्म होल का शेप देंगे। अब यहाँ से हाफ हाफ इंच फ्रंट आर्म होल का मार्किंग करेंगे। और अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दी है। अब हम शोल्डर, वेस्ट और हिप के पास छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग रेडी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने 20 इंच लिया है। अब हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव की चौड़ाई 9 इंच ली है। जितना भी हमारा आर्म होल होता है उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। हमारा आर्म होल था 7 इंच, तो हमने यहाँ पर 9 इंच पे 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। स्ट्रेट लाइन खींच लिया हमने। अब हम वन साइड से 2 इंच की मार्किंग करेंगे और खुली साइड से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दोनों निशानों को जॉइंट कर देंगे। ये हमने जॉइंट कर दिया है। अब हम यहाँ से स्लीव की लेंथ लेंगे। तो स्लीव की रेडी लेंथ हमारी 17 इंच है, तो हमने यहाँ पर 18 इंच लिया है क्योंकि हाफ इंच ऊपर से और नीचे से दोनों स्टिच मार्जिन के लिए जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 18 इंच पे मार्किंग की है। अब हम यहाँ पर स्लीव बॉटम का निशान लगाएंगे। तो इसकी स्लीव बॉटम है 5.5 इंच, तो उसमें प्लस 8 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और ऊपर से दोनों निशानों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। अब हम यहाँ से स्लीव की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह ऊपर से स्ट्रेट लाइन कटिंग करते हुए नीचे तक करेंगे। अब बॉटम की कटिंग करेंगे। अब साइड की मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव की कटिंग रेडी हो गई। अब हम स्लीव का फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल के हम शेप दे देंगे पहले हाफ हाफ इंच। ये देखिए हमने हाफ इंच शेप दे दी। आप देख सकते हो दोनों स्लीव्स की फ्रंट साइड आगे को है और अब हम इसे कट कर देंगे। तो हमारे सिंपल सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।